हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण लड्डा, टीम सीएलसी फिजिक्स। आज हम इस सेशन में डीटीएस मेजर 6 को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर इस फुल सिलेबस पेपर में आपके दो सेक्शन होंगे। एक सेक्शन है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 140 का होगा, ठीक है। सेक्शन ए क्या बोलता है, दिस सेक्शन कंटेन 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी टू अटेम्प्ट। तो यहां पर जो सभी क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यू विल बी अवार्डेड 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो सही के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत के लिए -1 हो जाएगा आपका। अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन विल बी गिवन 9 मार्क्स। आप जो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जिसका आंसर नहीं देंगे, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम सेक्शन ए की बात होगी। अब बात करते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्या होंगे, आपके 15 क्वेश्चन होंगे। वहां पर आपको चॉइस मिलेगी। चॉइस क्या मिलेगी, 15 में से आपको 5 क्वेश्चन है वो आप नहीं करने, ओनली 10 क्वेश्चन करने हैं। तो 15 में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आपको वहां चॉइस मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इज, ए स्फेरिकल बॉल इज मूविंग थ्रू ए विस्कस मीडियम। इफ द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द बॉल, देन द डायमेंशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इज। क्वेश्चन में आपको एक गोलाकार गेंद दी हुई है, ठीक है। ये गोलाकार गेंद है। अब ये गोलाकार गेंद शांत ध्रुव में गति कर रही है। तो ये जो है ध्रुव, इस शांत ध्रुव में गति कर रही है। यदि गेंद पर लगने वाला शान बल गेंद की चाल के समानुपाती, तो जो शान बल है वो गेंद की चाल v के समानुपाती है, तो समानुपातिक नियतांक की विमा होगी। तो f प्रोपोर्शनल v हो गया, इक्विलिटी में चेंज करेंगे तो f इक्वल्स टू kv। आपको k की विमा निकालनी, यही इसकी विमा पूछी गई है। तो k इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, f अपॉन v। अब f क्या है आपका, जो है उसकी डायमेंशन होगी m1 L1 T-2, और जो चाल है उसकी होगी L1 T-1 हो जाएगी। ये कैंसिल, ठीक है। तो ये आपका हो गया M1 L0 T-1 M1 L0 T-1। तो आप देखते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप, M1 L0 T-1। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका यहां पर मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मासेस आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg मास इज 6 m/s² टुवर्ड्स राइट, द एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg मास एट दिस सेम इंस्टेंट इज। तो देखिए, आपको यहां पर ये दो द्रव्यमान दिए हुए हैं, ठीक है, 6 kg और 4 kg को। इनको एक आदर्श स्प्रिंग से आपने जोड़ा हुआ है। ये जो 4 kg है, इस पे आप 10 N बल लगा रहे हैं। तो जब 10 N बल लगा के इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो 6 m/s² है। तो इसी इंस्टेंट पे इस 6 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हमें पता है नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है आपका टोटल मास मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्सेलरेशन। तो एफ नेट तो देखिए, आप इस पे लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स है 10 N, तो इसका मास हो गया आपका, ये हो गया m1 a1 प्लस m2 a2। ये रिलेशन यूज कर ले, तो m1 a1 ये हो गया m1, ये हो गया a1, ये m2 और ये a2 की जगह क्या है, a है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो एफ नेट हो गया आपका 10, m1 4, a1 6 प्लस M2 कितना है 6 और A2 कितना है A, ये हमें विस्साइन आ जाएगा। तो ये हो गया 10, 24, 10
24 प्लस 6a, तो रीअरेंज करें तो 6a इक्वल्स टू 10 माइनस 24 मीन्स माइनस 14, तो a की वैल्यू जो आ रही है वो a आ रहा है आपके माइनस 14 बाई 6 मीन्स माइनस 7 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन बता रहा है कि ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा, यानी कि ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। 7 बाई 3 की वैल्यू होती है 2.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस 2.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस तरफ, लेफ्ट साइड में, बाई तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद ए वेलोसिटी 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए, एक प्रेक्षक है वो स्थिर ध्वनि स्रोत की तरफ ध्वनि के वेग के 1/5 गुना वेग से गति कर रहा है, तो आभासी आवृत्ति में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो भाई ये है एक प्रेक्षक है वो ध्वनि स्रोत, ये आपके हो गया ये स्रोत है, तो एक प्रेक्षक स्थिर ध्वनि स्रोत, तो ये स्रोत जो है वो रेस्ट पोजीशन पे, अब ये प्रेक्षक जो है इसकी तरफ जा रहा तरफ ध्वनि के वेग के, तो ये इधर जा रहा है, तो V नॉट इक्वल टू ध्वनि के वेग का 1/5 वेग से गति कर रहा है, तो आभासी आवृत्ति में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहां पर इसकी जो आवृत्ति है वो मान लेते हैं हम एफ है, वास्तविक आवृत्ति, तो आभासी आवृत्ति हो जाएगी एफ डैश इक्वल टू, तो ये इसके पास जाएगा तो बड़ी प्रतीत होगी, तो V प्लस V नॉट, V नॉट की वैल्यू क्या है, V बाई 5 अपॉन V, स्रोत स्थिर है तो V, और इसकी वास्तविक आवृत्ति होगी F, तो F डैश जो है वो आ रहा है 5V प्लस V 6V अपॉन 5V मल्टीप्लाई बाई F, तो यहां पर ये F डैश की जो वैल्यू आ रही है वो 6/5F आ रही। अब आपसे पूछा प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि जो होगी प्रतिशत में, तो वो होता है एफ डैश माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100%, एफ डैश 6/5F माइनस एफ, एफ डैश की वैल्यू 6/5F मल्टीप्लाई बाय 100%। देख, तो ये प्रतिशत में जो वृद्धि आएगी वो कितनी होगी, ये आपके 1/5, ये आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो आप देख रहे हैं ये 100/5 हो गया 20%, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज लेट एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैप्ट एट सरफेस ऑफ प्लेनेट इज यू इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट ए स्पीड ऑफ 200% मोर देन द एस्केप स्पीड देन इट्स स्पीड इन द इंटरस्टेलर स्पेस विल बी। देखिए, आपको किसी ग्रह की सतह से एक वस्तु को आपने यू वेग से प्रक्षेपित करते हैं, ठीक है, तो ये इसका पलायन वेग हो जाता है, यानी कि आपने सतह से यू वेग से प्रक्षेपित किया तो अनंत पर जाकर उसका वेग शून्य हो जाएगा। यदि प्रक्षेपित की चाल आप 200% बढ़ा दें, यानी कि 200% बढ़ा दी, यानी कि अब 3u कर दी, तीन गुना कर दी, तो अनंत पर वस्तु की चाल होगी, तो अब अनंत पर वस्तु की चाल निकालनी है। तो देखिए, ये आपके जो पलायन वेग होता है u इक्वल्स टू ये u इक्वल्स टू होता है √2gr होता है किसी ग्रह के लिए, जहां जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया, आर उसकी त्रिज्या हो गई, पृथ्वी के लिए भी मान लो। अब आपने क्या किया, यहां पर ये ग्रह
अब यहां पर आपने इसकी 3u कर दी, ठीक है, 3u करेंगे तो ये अनंत पे जाएगा, अनंत पर इसकी वेग अब शून्य नहीं होगा, लेकिन आपकी गति ऊर्जा भी शून्य नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो शून्य हो जाएगी। आप क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी 1/2, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी 2 है वो तो है आपका अंडर रूट 2gr है, आपने बढ़ा दी, ये इसकी r त्रिज्या होगी। अब इसकी जो है चाल वो u डैश इक्वल्स टू अंडर रूट, यूं बोल सकते हो आप, जो इनिशियल है उसका 3u कर दिया आपने, ये 3u कर दिया, तो अनंत पे जाएगी, अनंत पर क्या होगा, इसका वेग शून्य नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी शून्य हो जाएगी। जब वेग शून्य नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी शून्य नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अनंत पे शून्य हो जाएगी। आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम यू डैश स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ये एम तो कैंसिल कर दें बोथ साइड, 1/2 यू डैश की वैल्यू कितनी होगी, 3u, तो ये 3u यानी कि 9u स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2gr माइनस gm इक्वल टू gr स्क्वायर, तो ये आपके gr बचेगा, gm इक्वल टू gr स्क्वायर, एक r से r कैंसिल हो गया, 1/2 v स्क्वायर। चलिए रीअरेंज करते हैं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ये v स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 कैंसिल होगा तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 18 gr, 18 gr, और ये माइनस टू जी आर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 18 gr माइनस 2 gr, ये है आपका 16 gr, तो वी इक्वल टू अंडर रूट 16 gr, तो वी इक्वल टू बाहर आएगा, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो कैसे भाई, तो इसको 16 को बाहर निकालेंगे, तो ये तो जी आर, और बाहर आके ये 4 हो गया, 4 ये 4 हो गया, ठीक है। अब 4 को लिख सकते हैं 2 4 को लिख सकते हैं 2√2 × √2, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√2 × √2 × √gr, ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू है आपकी u की वैल्यू है, तो आप देखेंगे यहां पे ये 2√2 u आंसर आ रहा है, तो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन ऑन अ ट्रैक एज शोन इन फिगर, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। देखिए यहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर मूव करता है, तो इसका ए से बी तक कितना विस्थापन होगा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, ये आप एक्स अक्ष ले लो और ये वाई अक्ष ले लो, ठीक है, तो ये दिशा एक्स और ये वाई, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ये एक्स डायरेक्शन में तो 1i कैप, ठीक है, ये आपके हो गए 2j कैप प्लस में 2j कैप, ये इधर की तरफ हो गया -3i कैप, ये -4j कैप, तो -4j कैप, ये 5i कैप, 5i कैप, ये 6j कैप, 6j कैप, ये माइनस
सेवन आई कैप और माइनस एट जे कैप। सिंप्लीफाई करें तो देखिए आई माइनस थ्री आई माइनस टू आई हो गया, प्लस फाइव फाइव तो प्लस थ्री आई हो गया, प्लस थ्री आई माइनस सेवन आई माइनस फोर आई हो गया, तो ये माइनस फोर आई हो गया। टू जे माइनस फोर जे माइनस टू जे हो गया, दोनों का ऐड किया, और ये माइनस टू जे प्लस सिक्स जे ये हो गया प्लस फोर जे, प्लस फोर जे में से माइनस एट जे, तो ये आ गया माइनस फोर जे। मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया फोर रूट टू, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आ गया फोर रूट टू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो विद एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट एक्स इक्वल टू ए बाई टू विल बी। तो देखिए एक सरल लोलक एक्स बराबर जीरो से आयाम ए तथा आवर्तकाल टी से सरल आवर्त गति करता है, तो लोलक की एक्स इक्वल टू ए बाई टू पर चाल होगी। देखिए आपको ये दिया हुआ है, सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल एक हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ये इसका x इक्वल टू जीरो हो गया, ये इसका आयाम हो गया ये प्लस a, तो ये माइनस a हो गया। अब जी ये इसका आवर्तकाल t दिया हुआ है, तो लोलक की x बराबर a बाई टू पर चाल होगी, तो ये आपकी यहाँ पर a बाई टू पर चाल कितनी होगी, तो रिलेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो v ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई अपॉन टी अंडर रूट ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है, स्मॉल है, ए स्क्वायर माइनस a बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई फोर, तो v इक्वल्स टू टू पाई अपॉन टी अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई फोर। सिंप्लीफाई करेंगे तो v इक्वल्स टू टू पाई अपॉन टी, तो ये रूट थ्री ए बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया रूट थ्री पाई a अपॉन टी, रूट थ्री पाई अपॉन टी, आप देख रहे हैं ऑप्शन थ्री जो है वो राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस इज। तो देखिए आपको एक गोलाकार वस्तु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दे दिया, बी दे दिया, यदि इस पर एक समान दाब आरोपित किया जाए तो इसकी त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी कितनी होगी ज्ञात किया जाए। तो देखिए किस तरह से करते हैं, तो देखिए यहां पर आपको पता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का क्या संबंध होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए ये संबंध होता है आपका b इक्वल्स टू माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा v अपॉन v, तो इसको रीअरेंज करें तो डेल्टा p इक्वल्स टू माइनस b गुणा डेल्टा v अपॉन v, ये रिलेशन आता है, ठीक है। अब डेल्टा पी आपको दिया हुआ है, समान दाब आरोपित किया जाए तो ये हो गया पी इक्वल्स टू माइनस बी और ये डेल्टा वी अपॉन वी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन बी, ये रिलेशन आया। अब इसका आयतन जो होता है वी इक्वल्स टू होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यू, आप इसका भिन्नात्मक परिवर्तन निकालें, ये dv अपॉन v इक्वल्स टू ये कांस्टेंट को तो छोड़ देते हैं, पावर आगे आ जाती है, ठीक है, तो 3dr अपॉन ri, तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ रखें तो 3dr अपॉन r इक्वल्स टू माइनस p अपॉन b, तो माइनस dr अपॉन r इक्वल्स टू
पी अपॉन थ्री बी, ये रिलेशन आ रहा है पी अपॉन थ्री बी। तो माइनस डी आर अपॉन आर क्या बता रहा है आपके, इसकी त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी बता रहा है। तो माइनस जो है वो भिन्नात्मक कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वॉटर इज 20 meters per second, द स्पीड ऑफ रिवर वॉटर इज 10 meters per second एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय। देखिए आपको एक नदी दी हुई है, इसमें एक तैराक है जो स्थिर जल में जो तैर सकता है उसकी चाल है 20 meters per second। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी तो ये आपकी होगी जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर आपको दे दी है 20 meters per second। अब यहां पे नदी के जल की चाल है और ये पूर्व दिशा में ऐसे प्रवाहित हो रही, तो ये पूर्व दिशा, ठीक है ये इस पूर्व दिशा में, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दी हुई है 10 meters per second ये दी हुई है। यदि तैराक नदी के साउथ किनारे पे, तो ये सपोज करो ये नदी है और वो यहां पर साउथ किनारा है, तो ये तो पूर्व दिशा हो गई यानी कि आपके ईस्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में ये वेस्ट हो गया। अब ये यहां से यहां पे जाना चाहता है शॉर्टेस्ट पाथ से, यानी कि इस बिंदु पे जाना चाहता है, तो इसको जो स्विम करना पड़ेगा ये पश्चिम दिशा में करना पड़ेगा और ये इस एंगल पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब इधर चलेगा तो ये इसको रिवर इसको इधर की तरफ पुश करेगी, तो वो कहाँ पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। इसके लिए जो रिलेशन होता है वो रिलेशन हमें पता है, साइन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वी आर जी कितना दिया हुआ है, वी आर जी आपका है 10 और मैन की है 20, तो ये आपके हो गया 1/2। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 degrees हो गया। तो 30 degrees किस दिशा में चलेगा, ये पश्चिम दिशा में चलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 degrees पश्चिम, 30 degrees वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है टू सॉलिड स्फीयर ऑफ डिफरेंट मास रेडियाई एंड डेंसिटीज रोल डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन अंडर आइडेंटिकल सिचुएशन, देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग डज नॉट डिपेंड ऑन। तो भाई आपको दिया हुआ दो ठोस गोले हैं जिनका द्रव्यमान त्रिज्या व घनत्व असमान है, अलग अलग है, एक खुरदरे नत्तल पर नीचे की ओर लुढ़काया जाता है, तो बिना फिसले लुढ़कने के दौरान द्रव्यमान केंद्र का त्वरण किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो हमें पता है जो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होता है ए, इसका रिलेशन होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r² ये इस पर निर्भर करता है। तो यहां पर कहीं द्रव्यमान नहीं आ रहा, ठीक है, अब यहां पर किस पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। अब जो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू भी सबकी अलग अलग होती है, तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पर वैल्यू पुट करें ठोस गोले की, तो ये जो है g साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r², तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ठोस गोले का अलग अलग है, तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर तो सबका सेम रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 हो गया। तो a इक्वल टू हो गया g साइन थीटा अपॉन 7/5 मीन्स 5/7 g साइन थीटा होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर न द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, न त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, न घनत्व पर निर्भर कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये चारों पे ही निर्भर नहीं करेगा, राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज y = 3 cos 60t + 2x
वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स एंड टी इन सेकेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपको देखो एक प्रगामी तरंग की समीकरण दे रखी है y equals to 3 cos 60t plus 2x, जहां x और y मीटर में और t सेकंड में, तो निम्न में से कौन सा गलत कथन है, कौन सा कथन यहां पर गलत है ज्ञात कर रहे हैं। तो हम इसको कंपेयर करेंगे y equals to a cos omega t minus या plus kx से। तो a तो कितना हो गया आयाम, तो इसका जो आयाम है कंपेयर करें तो वो तो आ गया 3 मीटर, 3 मीटर। ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 60 रेडियन पर सेकेंड हो गए, ठीक है। और के, के जो है वो 2 हो गया, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम में अब तरंग वेग क्या होता है, तो तरंग वेग होता है आपके v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 60, k की वैल्यू 2, तो ये आ गया 30। तो भाई कौन सा कथन गलत है पूछा है, तो ये तरंग वेग तो 30 मीटर पर सेकेंड सही है। तरंग दे रही है तो हमें पता है k इक्वल्स टू होता है 2π/λ। आपको k की वैल्यू दे रखी है तो लेमडा निकालना है, तो 2π, और k की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 2 दी हुई है, तो ये आपके आ गया पाई। तो ये भी सही है, तरंग दे रही है पाई मीटर है। अब आयाम भी हमें पता है 3 मीटर ही है, ठीक है। आवृत्ति, तो आवृत्ति 30 हर्ट्ज नहीं है, कोणीय आवृत्ति है 60 रेडियन पर सेकेंड। तो आवृत्ति जो होती है वो होती है ओमेगा इक्वल्स टू 2π f। तो f इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर, देखिए ओमेगा है 60/2π, तो ये आपका 30/π, तो ये 30/π होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन गलत ये है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली। इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग ऑसिलेशंस आर इक्वल, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज। तो देखिए आपको यहाँ पर दो द्रव्यमान है ए बी, इनको आपने दो द्रव्यमान हीन स्प्रिंगों से, जिनका नियतांक स्प्रिंग नियतांक K1 K2 से, उनसे लटकाया हुआ है। अब दोलनों के दौरान दोनों का अधिकतम वेग बराबर है, तो इनके आयामों का अनुपात होगा। तो अधिकतम वेग जो होता है वी मैक्सिमम, ये होता है ए ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, अंडर रूट KYM, ठीक है। तो ए ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट KYM। अब दोनों के लिए आयाम अलग अलग है, द्रव्यमान समान है, तो यहां पर क्या आएगा आपका A1 K1 अंडर रूट में बराबर, द्रव्यमान समान है, A2 अंडर रूट K2। तो A1 A2 क्या हो गया, तो A1/A2 इक्वल्स टू अंडर रूट K2/K1। देख रहे हैं आप यहां पर क्या आंसर राइट होगा, तो आप देख रहे हैं जो ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज ए प्रोसेस इन विच द गैस प्रेशर रिलेट द टेम्परेचर एज PT इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, देन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इन दिस प्रोसेस इज। तो भाई आपको क्या है, एक आदर्श एक प्रमाणिक गैस पर दाब ताप संबंध PT बराबर नियता प्रक्रम द्वारा संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका एक प्रमाणिक गैस पे इस प्रक्रम द्वारा जो प्रक्रम है PT=, इसके द्वारा ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो इस प्रक्रम में गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, ठीक है। तो देखिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे हम यहाँ पर, उसके लिए हमें रिलेशन पता है, उस रिलेशन को पुट करेंगे और इस रिलेशन से वैल्यू निकाल के उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए हमें जो संबंध दिया हुआ है वो है PT=constant। तो यहां पर T is proportional 1/P हो गया।
हमें पी और वी में रिलेशन निकालना है, तो गैस इक्वेशन जो है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये रिलेशन यूज करेंगे। तो टी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये आपके आ गया पी स्क्वायर वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं पी वी पावर वन बाई टू कॉन्स्टेंट। आप इसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से कंपेयर करें तो यहां पर जो एन की वैल्यू होगी कंपेयर करेंगे तो वन बाई टू आ जाएगा, तो ये वन बाई टू आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछिए, मोलर स्पेसिफिक हीट इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी सी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एन, ये रिलेशन होगा जहां एन की वैल्यू आ चुकी है। तो सी सी वी कितना है, सी वी हमारा मोनोएटोमिक के लिए होता है थ्री आर बाई टू प्लस आर अपॉन वन माइनस वन बाई टू, तो सी इक्वल्स टू थ्री आर बाई टू प्लस ये आपके हो गए टू आर, तो ये आपके हो गए सेवन आर बाई टू। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल रेफ्रिजरेटर हैज अ फ्रीजर एट ए टेम्परेचर ऑफ माइनस 13 डिग्री सेंटीग्रेड, द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन इज 5, द टेम्परेचर ऑफ एयर टू विच हीट इज रिजेक्टेड विल बी। तो भाई आपको एक आदर्श प्रशीतक के फ्रीजर का तापमान दे दिया, ठीक है, फ्रीजर का तापमान यानी कि टी टू दे दिया आपको माइनस 13 डिग्री सेंटीग्रेड, इंजन का निष्पादन गुणांक दे दिया आपको 5, बीटा की वैल्यू दे दी, तो उत्सर्जित ऊष्मा का हवा में ताप होगा यानी कि टी1 निकालना है। तो देखिए रिलेशन हमें पता है क्या होता है, B इक्वल्स टू टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू, ये रिलेशन होता है, हमें टी वन फाइंड आउट करना है। तो देखिए B की वैल्यू कितनी दी, निष्पादन गुणांक तो दिया हुआ है 5, टी टू की वैल्यू कितनी है, तो टी टू की वैल्यू आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 273 माइनस 13, टी वन माइनस टी टू की वैल्यू 273 माइनस 13, सिंप्लीफाई करें तो 5 इक्वल्स टू ये हो गया 260 अपॉन टी वन माइनस 260। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 टी वन माइनस, तो ये आपके हो गया 0013 इक्वल्स टू 260, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करें तो 5t1 इक्वल्स टू ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपके 5t1 माइनस ये 260 ये आ गया, इसको रीअरेंज करते हैं भाई, ठीक है। तो 5t1 ये 1560 हो गया, तो t1 की वैल्यू 1560 अपॉन 5, तो ये आपकी आती है 312 केल्विन, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से 273 माइनस कर दो तो 312 माइनस 273, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 39 डिग्री सेंटीग्रेड, तो राइट आंसर हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में 39 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस एट ए प्रेशर पी नॉट इन कंटेंट इन अ वेसल इफ द मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हाफ्ड एंड देयर स्पीड आर डबल द रिजल्टिंग प्रेशर पी विल बी इक्वल्स टू। तो देखिए आपको एक पात्र में गैस का दाब पी नॉट दिया हुआ है, यदि गैस के सभी अणुओं का द्रव्यमान आधा कर दें, द्रव्यमान आधा कर दिया सभी अणुओं का, तथा इनकी चाल दोगुनी कर दें तो परिणामी दाब पी निम्न में से किसके बराबर होगा, तो अब जो नया दाब होगा वो किसके बराबर होगा वो ज्ञात करें। तो भाई आपने क्या किया, जो वीआरएमएस होता है, वीआरएमएस ये होता है 3PV अपॉन m, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब आयतन नियत है, 3 नियत है, तो आप देख रहे हैं यहां पर ये आपका आ जाएगा p अपॉन m के प्रोपोर्शनल होगा। अब आप क्या कर रहे हैं यहां पर, पहले वाले केस में V1 कितना है आपका, इसकी चाल दोगुनी कर दे तो परिणाम किसके बराबर होता, तो पहले V आपका VRMS V है, ठीक है,
तो पी की वैल्यू कितनी है आपकी, पी नॉट, और मास हो गया आपका एम हो गया। गैस का दाब पी है, गैस के सभी अणुओं का द्रव्यमान आधा कर दे, चाल दोगुनी कर दे, तो पहले चाल वी है, अब आपने चाल दोगुनी कर दी, तो आपको इसका निकालना है पी निम्न उसके बराबर होगा, पी कितना होगा निकालना, द्रव्यमान कितना कर दिया, द्रव्यमान दोगुना कर दिया, चलो डिवाइड कर दो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आपके आ रहा है 1/2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2p0/p आ रहा है, ऊपर चला गया तो 2p0/p आ गया, ठीक है। आपको p निकालना है तो बोथ साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, तो 1/4 2p0/p, तो p इक्वल्स टू द्रव्यमान सभी गैस के सभी अणुओं का द्रव्यमान आधा कर दे और इनकी चाल दोगुनी कर दे, हमने चाल दोगुनी कर दी, द्रव्यमान आधा करना है, मैंने डबल कर दिया, आधा करो द्रव्यमान, आधा करो यहाँ पे, ठीक है, तो ये द्रव्यमान आधा करना है, द्रव्यमान आधा कर दें, ये द्रव्यमान आधा करना है, तो यहां पे जब द्रव्यमान आधा करेंगे हम, तो ये 2 पर चला गया, तो इस एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये आपके 1/2 इक्वल्स टू ये पी नॉट अपॉन, ये आ रहा है 2p, बोथ साइड स्क्वायर किया तो 1/4 पी नॉट अपॉन 2p, तो ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो p इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2p0 आ रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू मेटेलिक रोड्स ऑफ द सेम मटेरियल इज 2:1 एंड देयर लेंथ आर द इन द रेशियो 1:4। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स आर इक्वल द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन देम विल बी इन द रेशियो। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ, एक ही पदार्थ की दो चालक छड़ों के व्यास का अनुपात 2:1 है, ठीक है, तथा इनकी लंबाइयों का अनुपात 1:4 है, इनके सिरों के मध्य तापांतर समान है, तो इनसे प्रवाहित होने वाली ऊष्मा दर का अनुपात होगा। देखिए कैसे करते हैं, देखिए आपको यहां पर व्यासों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि त्रिज्या का जो अनुपात है ये R1 और R2, वो त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:1, लंबाइयों का अनुपात अगर दोनों की लंबाइयां L1 और L2 है तो ये 1:4 हो गया, सिरों पर तापांतर समान है तो हमें रिलेशन पता है, रेट ऑफ हीट फ्लो का dQ/dt इक्वल्स टू होता है kA/L और तापांतर ΔT, याद है, माइनस आता है, माइनस बताता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, तो देखिए यहाँ पर तापांतर समान है, एक ही पदार्थ का है तो के भी समान है, तो ये जो dQ/dt होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, A/L, A क्या हो गया आपका पाई R² और लंबाई L हो गया, तो यहाँ कि ये पाई भी कांस्टेंट हो गया तो R² / L के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, तो आपको दोनों की ऊष्माओं का अनुपात निकालना है, तो dQ1/dt/dQ2/dt इनका अनुपात निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर और L2/L1, तो R1/R2 2:1 का होल स्क्वायर यानी कि 4:1 और L2/L1 तो ये हो गया 4:1, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर 4 × 4 = 16, तो ये आपके हो गया 16:1, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0°C इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100°C, वॉट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। देखिए आपको 100 ग्राम बर्फ जिसका ताप 0°C है तो 100°C वाले 100 ग्राम जल के साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा, ठीक है, तो देखिए ये ऊष्मा हानि
और ऊष्मा लाभ दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए देखिए, ये आपने लिया 100 ग्राम बर्फ, ये 100 ग्राम आइस लिया, जो कि कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपने इसको मिक्स किया, किसके साथ मिक्स किया, 100 ग्राम जल यानी कि वाटर, और ये है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इनको मिक्स करेंगे तो देखिए, ये तो हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पर इसको सबको कॉमन टेम्परेचर पे लेके आते हैं हम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल तक लेके आते हैं। तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल तक लेके आओ, तो ये 100 ग्राम जल और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए ये जो हीट रिलीज करेगा Q1 वो क्या होगी, MS डेल्टा T होगी, ठीक है। M 100, S जल की होती है 1, डेल्टा T हो गया 100। तो ये 10^4 कैलोरी, इतनी हीट ये यहाँ पर रिलीज करेगा। इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, इसको ये एब्जॉर्ब करेगा। तो पहले 100 ग्राम आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको 100 ग्राम जल में कन्वर्ट करना, तो ये इसका स्टेट चेंज हो रही है। तो ये 100 ग्राम जल और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर जो हीट होगी Q2 इक्वल्स टू M इंटू एल ऑफ का, तो M कितना है 100 और L कितना है LF, ठीक है। तो ये होती है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम, तो ये आपके हो गया 8000 और ये आपके हो गया 10000 कैलोरी। तो 10000 में से 8000 तो ये कंज्यूम कर लेगा, बचेगा क्या इसके पास, 2000 बचेगा। तो ये आपके पास कंपोजिशन में क्या बचा, आपके पास 100+100 ये हो गया 200 ग्राम जल और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया, और साथ में 2000 कैलोरी ये हीट भी इनके पास है। तो ये जो हीट है ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में काम में आएगी, तो वापस ये एब्जॉर्ब करेगी, तो ये 2000 इक्वल्स टू MS डेल्टा T। तो M, S की वैल्यू 1, ठीक है, M की वैल्यू भी कितनी है आपकी, यहाँ पर 200 होगी, तो ये आपके M की वैल्यू 200, S की वैल्यू 1, डेल्टा T, तो ये कैंसिल, तो डेल्टा T जो आ रहा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज आर, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज टी, कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, द रेडियस ऑफ द सोप बबल इज डबल द एनर्जी नेसेसरी फॉर दिस विल बी। तो देखिए साबुन के एक बुलबुले की त्रिज्या है आर, साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव आपको टी दिया हुआ है, ताप को नियत रखकर साबुन के बुलबुले की त्रिज्या को डबल कर रहे हैं, दोगुना किया जाता है, तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। तो देखिए हमें पता है जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो कितनी होगी, इसका रिलेशन हमें पता है, तो आवश्यक ऊर्जा जो होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी, और यहाँ पर ये जो है कार्य यू के बराबर होगा, और ये होता है टी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ए, तो यू इक्वल्स टू टी डेल्टा ए, दो पृष्ठ है तो डेल्टा ए क्या हो गया आपका, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टी ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए फाइनल है, डबल पृष्ठ है तो दो तो बाहर निकाल दो, ठीक है, दोनों का दो पृष्ठ साबुन का बुलबुला, तो ये आपने इसका जो फाइनल है 4π2r² - 4πr², तो यू इक्वल्स टू 2t, ये 16πr² - 4πr², तो यू इक्वल्स टू 16 - 4 हो गया 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 24πr² t, तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 1, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, टू ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस आर फॉलिंग थ्रू एयर विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 cm/s, इफ द टू ड्रॉप्स कोलाइड एंड देन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बी।
देखो समान त्रिज्या की दो बूंदें हैं, ठीक है, जिनकी जो नियत वेग से वायु में गिर रही और ये वेग है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों बूंदें मिल जाती है, दोनों बूंदें मिल जाती है, तब इसका टर्मिनल वेग क्या होगा? ठीक है, तो देखिए टर्मिनल वेग जो होता है, टर्मिनल वेग वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, तो वी टी इज प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब आपको यहां पर जो पहले दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों बूंदें मिलकर नई बूंद बनाती है तो आयतन तो सेम रहेगा, तो जो बड़ी बूंद बनेगी उसका आयतन होगा 4/3 πr³। दो बूंदे हैं तो 4/3 πr³, 4/3 4/3, तो ये r इक्वल्स टू 2^1/3 और ये हो गया स्मॉल r। तो जो बड़ी बूंद होगी वी टी डैश वो भी प्रोपोर्शनल r स्क्वायर हो जाएगी। चल अब हम यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो वी टी अपॉन वी टी डैश इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, वी टी अपॉन वी टी डैश इक्वल्स टू, देखिए स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर जो होगा 1/2 πr³ का स्क्वायर, तो वी टी डैश इक्वल्स टू 2^2/3 2^2/3 और वी टी कितना है, ये 5 हो गया। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2^2 हो गया आपका 4, तो 4^1/3 × 5 cm/s। ठीक है, तो आप देख रहे हैं राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन रफ सरफेस फॉर विच कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.5। व्हेन ए फोर्स ऑफ एफ इक्वल्स टू 60 N इज अप्लाइड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी, जी की वैल्यू 10 m/s² होगी। तो यहाँ पर 5 kg द्रव्यमान का एक गुटका खुरदरी सतह पर रखा हुआ है और इसका गतिज घर्षण गुणांक 0.5 दिया हुआ है, विराम में स्थित है। अब गुटके पर F बराबर 60 N का बल आरोपित किया जाता है जैसा कि आपको दिखा हुआ क्षितिज से 37° पर। तो अब इस गुटके का त्वरण क्या होगा ज्ञात करें, तो देखिए यहाँ पर इस गुटके का त्वरण निकालना है, आप क्या करेंगे इसके कंपोनेंट करेंगे, तो ये 60 cos 37। अब cos 37 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ट्राइंगल पता है आपको, ये वाला ट्राइंगल होता है आपके ये 37, तो ये 3, 4, 5, तो यहां पर cos 37 हो गया 4/5, तो 60 × 4/5 ये आ रहा है आपके 48। तो इस तरफ कितना होगा 60 sin 37, तो 60 sin 37 की वैल्यू होगी 3/5, तो ये आपके हो गया 36 N इस तरफ हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये जो है फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला जाए, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, इसका मास कितना दिया हुआ है 5 kg, तो ये 15 N नीचे की तरफ, तो देखिए ये एन प्लस 36 ऊपर लग रहा और 50 नीचे लग रहा है, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 14 हो गया, n की वैल्यू 14 आ गई। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, तो एक्सेलरेशन पूछा है, तो f नेट इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, f नेट इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो मास तो हो गया आपका 5 और एक्सेलरेशन आपको निकालना है। पूछा गया आपसे गुटके का त्वरण पूछा, तो अब एफ नेट क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 48 माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये म्यू एन के इक्वल, म्यू की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई बाई
एन की वैल्यू है 14 इक्वल्स टू 5a, तो ये आपके हो गया a की वैल्यू 48 माइनस 7, तो 41 अपॉन 5 आ रहा। तो ये अप्रोक्स जो है ये 8.2 मीटर पर सेकेंड ये आंसर आ रहा, तो 8.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड बाय ए लाइट रोड ऑफ नेग्लिजिबल मास एज शोन इन द फिगर। द रोड इज रोटेटेड अबाउट एंड बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द रेशियो ऑफ टेंशन इन स्मॉलर पार्ट टू अदर इज। देखिए आपको यहां पर ये समान द्रव्यमान के दो कणों को चित्र में दर्शानुसार, एक नगण्य द्रव्यमान की एक हल्की छड़, नगण्य द्रव्यमान की एक हल्की छड़ द्वारा इसको संयोजित किया हुआ। अब इसको क्या है, इस अक्ष के सापेक्ष ऐसे बी सिरे के सापेक्ष 37 में घुमाते हैं तो छोटे भाग तथा दूसरे भाग में तनाव का अनुपात होगा। तो छोटा भाग ये है, तो इसमें T1 ले लो, तो छोटे भाग में जो तनाव है वो इसमें T1 ले लो और इसमें T2 ले लो, इन दोनों का अनुपात निकालना। तो छोटे भाग तथा दूसरे भाग में तनाव का अनुपात होगा। तो यहाँ पर टेंशन इधर लगेगी T1, इसमें इधर लगेगी T2, ये दोनों मिलके इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू m, ओमेगा दोनों का सेम होगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर और इसकी रेडियस होगी r, एक इक्वेशन होगी। अब इस वाले पे तो सिर्फ T2 ही लग रहा, तो ये T2 इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो T2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर और रेडियस होगी आपकी 3r, ये इक्वेशन 2 होगी। दोनों को ऐड कर दो, T2 कैंसिल, तो T1 इक्वल्स टू 4m ओमेगा स्क्वायर r और T2 की वैल्यू कितनी है 3m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r 4:3 हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स F इक्वल्स टू 3x² + 2x + 1 न्यूटन वेर x इज इन मीटर इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम A 012 मीटर टू B 203 मीटर विल बी। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक बल 3x² + 2x + 1, यहाँ पर ये न्यूटन में 10 किलोग्राम के पिंड पर कार्य कर रहा है। जब पिंड को यहाँ इस ए से बी स्थिति तक गति कराते हैं तो पिंड की गति ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो भाई पिंड की जो गति ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो आपके किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बल है वो सिर्फ एक्स दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक्स दिशा में कार्य करेगा तो हम इसका जो है ये बल जो है परिवर्तित बल है, तो परिवर्तित बल है एक्स दिशा में, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन, dW इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। इंटीग्रेशन f की वैल्यू कितनी है 3x² + 2x + 1 और ये आपके हो गए डी एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 2 तक। तो आप इसका इंटीग्रेशन करें तो 3x² dx का हो गया आपका x³, 2x² का हो गया आपका x² और 1 का हो गया x, लिमिट होगी 0 से 2। लिमिट पुट कर दें तो भाई अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो 2³ हो गया आपका 8, 2² हो गया 4 और +2 -0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये आपके कितना आ रहा है 14 जूल आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 14 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन इज, ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए 10 किलोग्राम मास एट रेस्ट, द रेशियो ऑफ वर्क डन इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड विल बी। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है
किसी नियत बल को विराम में स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित किया जाता है, तो प्रथम द्वितीय तथा तृतीय सेकंड में किए गए कार्य का अनुपात होगा। तो देखिए किस तरह से होगा, ये आपको कोई वस्तु दी हुई है, ठीक है। अब इस वस्तु पे कोई बल कार्य कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये नियत बल कार्य कर रहा है, ये नियत बल हो गया, ये नियत बल कार्य कर रहा है 10 किलोग्राम की वस्तु पर। तो हमें पता है कार्य जो होता है नियत बल के लिए वो होता है बल इनटू विस्थापन। तो प्रथम सेकंड द्वितीय तृतीय सेकंड में जो कार्य का अनुपात होगा वो किसका अनुपात होगा, बल तो नियत है, तो ये S1 S2 S3 का अनुपात होगा। तो आपको S1 S2 और S3 इन तीनों का आपको अनुपात निकालना है। तो जो विस्थापन होगा S1 प्रथम सेकंड में, ठीक है, ये होता है S equals to ut plus half at square। तो S equals to ut plus half at square विराम अवस्था में, तो ये half a t की वैल्यू होगी प्रथम सेकंड में 1 का स्क्वायर, तो ये a by 2। इसी प्रकार से हम S2 निकालते हैं, तो हमें पता है समान समय में जो समान नियत त्वरण से जाता है समान समय अंतराल में, तो डिस्प्लेसमेंट का जो अनुपात होता है वो 1:3:5 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 3a by 2 और S3 equals to क्या हो जाएगा 5a by 2 हो जाएगा। तो यहां पर S1 S2 S3 का जो अनुपात है वो 1:3:5 आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑयल्ड रोप कैरिंग चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स has mass 3.2 multiplied by 10 to the power minus 17 kilogram. It falls freely in air with terminal velocity. The electric field required to make drop move upward with same speed is. देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है दो इलेक्ट्रॉनों का आवेश ग्रहण की हुई तेल की एक बूंद का द्रव्यमान दिया हुआ है 3.2 into 10 to the power minus 17 kilogram. ये वायु में टर्मिनल वेग से मुक्त रूप से गिरती है। तो यहां पर जब ये मुक्त रूप से गिर रही है, ये मुक्त रूप से गिर रही है, तो mg नीचे की तरफ लगेगा, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा 6 pi neta rv लगेगा। तो इस समय मुक्त रूप से गिर रही है, तो यहां पर ये आपके mg की वैल्यू किसके इक्वल होगी 6 pi neta rv के इक्वल होगी, जहां v टर्मिनल वेग है। अब बूंद को समान चाल से ऊपर गति कराने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र होगा। अब इसको समान चाल से ऊपर की तरफ गति कराना है, तो इस पे जो आवेश है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन इसको ऊपर कराने के लिए अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ जो है इस पे लगेगा QE, चार्ज हो गया QE की वैल्यू 2E, इस पे नीचे की तरफ mg, अब मोशन के विपरीत दिशा में लगेगा 6 pi neta rv। तो अब ये ऊपर की ओर गति करेगी समान चाल से, इसी चाल से, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ये QE बराबर 6 pi neta rv प्लस mg के इक्वल होगी, ठीक है। अब 6 pi neta rv इक्वल टू mg है, तो यहां पर 6 pi neta rv की जगह mg रख देंगे, q की जगह 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गए 2 mg। तो आपको क्या निकालना है आवश्यक विद्युत क्षेत्र, तो कैपिटल E इक्वल टू 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके mg अपॉन E आ गया। M की वैल्यू 3.2 टेंस टू पावर माइनस 17, G की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 9.8 भी ले सकते हो, तो G की वैल्यू आप 10 ले लो, 9.8 ले लो, E की वैल्यू 1.6 टेंस टू पावर माइनस 19। सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर ये इससे 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज If an electron enter into space between the plates of parallel plate capacitor an angle 30 degree with the plates and leave at an angle of 60 degree to the plates,
the ratio of its kinetic energy while entering the plate to that while living will be. तो देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है वो समांतर प्लेट संधारित्र आपको दिया हुआ है, ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अंतराल में प्लेटों के साथ 30 डिग्री, तो ये प्लेट के साथ जो है वो 30 डिग्री पर एंटर कर रहा है और यहां पर जब बाहर निकल रहा है इसके साथ 60 डिग्री पर ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके प्लेटों के पर जो सेपरेशन है उसके अलोंगे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मतलब यूं बोलें तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होगा आपका पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहां पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो इसका जो प्लेट के पैरेलल डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अगर ये u वेलोसिटी से यहां पर एंटर कर रही है और यहां पर v से निकल रही है तो ये इस डायरेक्शन में प्लेट के पैरेलल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये u cos 30 इक्वल टू जो होगा v cos 60 के इक्वल होगा। तो यहां पर u अपॉन v इक्वल टू आ गया cos 60 अपॉन cos 30, ये रिलेशन आ गया। अब आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा यहां पर होगा हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन हाफ एम v स्क्वायर, ये कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो u अपॉन v, तो ये आपके हो गया cos 60 अपॉन cos 30, इनका स्क्वायर कर दो। cos 60 1/2, cos 30 √3/2, तो 2 पर चला गया, ये √3 का स्क्वायर, 2 से 2, तो ये आ गया आपका 1:3। क्वेश्चन नंबर 24, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर सिस्टम शोन इन फिगर इज। देखिए आपको यहां पर चित्र में दर्शाए संधारित्र में निकाय में संग्रहित कुल ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो कुल ऊर्जा निकालेंगे तो आप यहां पे कॉम्बिनेशन देखेंगे, यहां से चार्ज फ्लो रहा है क्यू, ये इस पॉइंट पे आके डिवाइड होगा, इन दोनों में सेम जाएगा और यहां पर ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का सी इक्विवेलेंट किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 3 और 6 का C1C2 अपॉन C1+C2, तो ये आपके जो है 3 और 6 का सी इक्विवेलेंट हो गया 2 और 3 और 2 पैरेलल में हो गया तो 5 हो गया। तो सी इक्विवेलेंट पूरे सिस्टम का आ रहा है 5 माइक्रो फेरेड, ये माइक्रो फेरेड आ रही है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है स्टोर एनर्जी, तो यहां पे 1/2 सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर ये होगा। तो यहां पे चित्र में जो है संग्रहित कुल ऊर्जा होगी 1/2 सी इक्विवेलेंट 5 × 10⁻⁶ और वी कितना है 25, वी स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो ये आपके 125/2 × 10⁻⁶, तो ये आपके हो गया 62.5 माइक्रो जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेटवर्क शोन बिलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू इज, नीचे दर्शाए गए नेटवर्क में पी क्यू के सिरों पर विभवांतर है। देखो ये पी और ये क्यू, इसके सिरों पर अपने को विभवांतर फाइंड आउट करना है। तो देखें ये 40 और 40 दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 20 हो गया, 20 और 20 सीरीज में हो गया, तो इसका पूरे का आर इक्विवेलेंट 40 और 40 जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हो गया 20। अब ये 20 और ये 20, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट सीरीज में कितना हो जाएगा 40 हो गया, तो यहां पर पूरे सिस्टम का जो आर इक्विवेलेंट हो गया वो 40 हो गया। अब यहां से कोई करंट फ्लो होती है I, तो I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू कितनी है V है आपका 10 और R इक्विवेलेंट कितना है 40 है, तो 1/4 एम्पीयर आ रहा है, 1/4 एम्पीयर। आपसे P और Q के अक्रॉस पूछा है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा P और Q के अक्रॉस वो होता है V इक्वल टू IR, V I तो हो गया 1/4 और R कितना है इसका 20, तो ये आ रहा है 5 वोल्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, तो 5 वोल्ट आ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल प्लस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। आपको यहां पर देखो चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र में रखे एल लंबाई के धारावाहिक तार पर चुंबकीय बल होगा। तो देखिए ये तो है ए से बी एक वायर है जिसकी लेंथ है एल और इसमें करंट जा रहा है आई और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है। तो इस पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा? तो जो फोर्स होता है वो होता है बी आई एल साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। साइन जीरो जीरो हो गया तो फोर्स कितना हो गया आपका? जीरो हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज ए डीप सर्किल इज ओरिएंटेड विद इट्स प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस। द अपेरेंट एंगल ऑफ डीप शोन बाय द डीप सर्किल इज 45 डिग्री। द ट्रू एंगल ऑफ डीप एट द प्लेस विल बी। देखिए आपको एक नतिपापी इस प्रकार अभिविन्यासित है कि इसका तल किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर के साथ 30 डिग्री कोण पर है। तो ये अल्फा की वैल्यू होगी आपकी 30 डिग्री होगी। नतिमापी द्वारा दर्शाया नति का आभासी कोण 45 डिग्री है और यहां पर जो आभासी कोण है वो 45 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो इस स्थान पर वास्तविक नति कोण कितना होगा ज्ञात करें। ठीक है चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए ये आपको जो आभासी नति कोण होता है वो होता है टेन थीटा डैश इक्वल टू या टेन फाइव टेन थीटा अपॉन कॉस अल्फा। अब आपको क्या दिया हुआ? आभासी नति कोण जो है वो दिया हुआ है थीटा डैश 45, अल्फा की वैल्यू 30 दी हुई है। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया टेन थीटा डैश कोस अल्फा। तो टेन थीटा डैश तो ये हो गया टेन 45 और कोस अल्फा ये हो गया आपके कोस अल्फा। तो कोस अल्फा की वैल्यू कॉस 30, टेन एल्फा की वैल्यू 10 45 की वैल्यू होगी 1 और कॉस 30 की वैल्यू होगी रूट 3/2। तो यहां पर जो आएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 3/2 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 ए बार मैग्नेट एंड ए वुडन बार आइडेंटिकल इन डायमेंशन एंड मास आर रिलीज फ्रॉम सेम हाइट टू फॉल अंडर ग्रेविटी पासिंग थ्रू मल्टीपल रिंग्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। टाइम टेकन बाय द बार मैग्नेट इज T1 एंड बाय वुडन बार इज T2 देन विच इज पॉसिबल आउट ऑफ गिवन ऑप्शन। तो देखिए यहां पर आपको एक छड़ चुंबक दी हुई है और एक लकड़ी की छड़ जिसका द्रव्यमान और विमान बिल्कुल छड़ चुंबक जैसा है को समान ऊंचाई से चालक पदार्थ की वलय से गुजारते हैं तो गुरुत्व के प्रभाव में गिरने के लिए छोड़ा जाता है। तो छड़ चुंबक द्वारा लिया गया समय T1 है तो छड़ चुंबक है वो T1 समय ले रही है। तो लकड़ी की छड़ द्वारा लिया गया समय T2 है तब दिए गए विकल्पों में से कौन सा संभव है? तो भाई यहां पर देखो ये आपके है बार मैग्नेट ठीक है ये तो है मैग्नेट और ये रिंग से ये आपके वुडन बार मैग्नेट है वुडन मैग्नेट है तो ये वुडन बार है तो ये वुडन बार नीचे आ रही है। अब इस पे तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg लगेगा तो इस पे जो है फोर्स नीचे की तरफ कम हो जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो इसको टाइम लग रहा है T1 इसको टाइम लगेगा T2 ये फ्रीली गिर जाएगी। तो यहां पर ये जो T1 की वैल्यू होगी ये क्या होगी आपके T2 से ज्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 T1 ग्रेटर देन T2 क्योंकि इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो यहां पे टाइम इसको ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट इंपीडेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सोर्स विल बी। आपको यहां पर ये सर्किट दिया हुआ है ये यहां पर इंडक्टर ये रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ और ये स्रोत की जो आवृत्तियां हैं ये आवृत्ति बहुत कम है तो नेट की प्रतिबाधा होगी। ठीक है तो प्रतिबाधा के लिए रिलेशन होता है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। तो यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्सेल क्या हो गया ओमेगा। अब यहां पर बोल रहे हैं लो फ्रीक्वेंसीज तो आप इसको नेगलेक्ट कर दो ये नेगलेक्ट हो जाएगा
तो जेड इक्वल टू क्या हो गया आपका आर हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू आर, तो 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6। तो राइट आंसर हो गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 6 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट द टोटल स्टोर्ड एनर्जी इज यू एंड मैक्सिमम चार्ज अपॉन कैपेसिटर इज क्यू बाई 4, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज। देखिए आपको एक दोलित्र एलसी दोलित्र दिया हुआ है, इसकी कुल ऊर्जा है, संग्रहित ऊर्जा है यू, तथा संधारित्र पर अधिकतम आवेश क्यू है। ठीक है, तो अधिकतम आवेश क्यू हो गया, तो यू की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी होगी। ठीक है, जब संधारित्र पर आवेश क्यू बाई ए तब प्रेरक में संग्रहित ऊर्जा होगी, तो जो कुल ऊर्जा है वो आपकी नियत रहेगी, तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। तो प्रेरक में जो ऊर्जा है वो एल इंडक्टर जो है आपके ये ले सकते हैं हम एनर्जी इन इंडक्टर। ठीक है, प्लस इस समय संधारित्र पर आवेश क्यू बाई 4 है, तो ये हो गया 1/2 क्यू बाई 4 का स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर बाई 16 सी हो गया। तो आप इसको रीअरेंज करें तो ई एल इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 32 सी। एलसीएम ले लें 32 सी, तो यहां पर ये तो हो गया 16 माइनस 1 क्यू स्क्वायर, तो ये आपके हो गया 15 क्यू स्क्वायर अपॉन 32 सी। अब आपको यू की वैल्यू है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, तो यहां पर ये हो जाएगा 15/16 यू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आरसी सर्किट इज। आपको ये एक आरसी सर्किट दिया हुआ है, तो इसमें जो है समय नियतांक का मान निकालना है, तो समय नियतांक होता है टी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट सी। अब आर इक्विवेलेंट देखें तो ये और ये सीरीज में है, तो 2RC, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2RC। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेयर ऑफ ऑयल 3 सेंटीमीटर थिक इज फ्लोटिंग ऑन ए लेयर ऑफ कलर्ड वाटर 5 सेंटीमीटर थिक, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कलर्ड वाटर इज 5/3 एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ टू लिक्विड अपीयर टू बी 36/7 सेंटीमीटर, व्हाट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। तो आपको दे रखा है एक 3 सेंटीमीटर मोटी तेल की एक परत 5 सेंटीमीटर मोटे रंगीन जल की एक परत पर तैर रही है, तो कुछ इस तरह से है, ये तो होगी रंगीन जल की परत, तो ये तो होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपर तेल की परत है, ये है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर होगी, तो 3 सेंटीमीटर मोटी तेल की एक परत 5 सेंटीमीटर मोटे रंगीन जल की एक परत पर तैरेगी। रंगीन जल का अपवर्तनांक, इसका जो अपवर्तनांक है वो आपको दिया हुआ है 5/3। ठीक है, और आभासी गहराई जो इसकी है, आभासी गहराई वो दी हुई है 36/7 होती है, तो आपको तेल का अपवर्तनांक निकालना है, तो इसका अपवर्तनांक जो है म्यू, इसका म्यू वन ले लो तो ये म्यू टू हो जाएगा, आपको म्यू टू फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपेरेंट डेप्थ के लिए जो रिलेशन होता है वो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं, तो देखिए यहां पर रिलेशन जो होगा वो क्या है, आभासी गहराई अपेरेंट डेप्थ, तो अपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू T1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 अपॉन म्यू 2, जब दो लिक्विड एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो उसके लिए अपेरेंट डेप्थ आपको दी हुई है 36/7 इक्वल्स टू T1, तो T1 कितना हो गया 5 अपॉन म्यू 1 5/3 प्लस T2 आपको 3 और ये म्यू 2 निकालना है, तो इसको रीअरेंज करें तो ये ऊपर चला गया, तो 36/7 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 3 इधर आके, ये -3 और ये 3 अपॉन म्यू 2, तो ये आपके 36 - 21/7 = 3 म्यू 2, तो ये 15
अपॉन सेवन थ्री म्यू टू, तो ये फाइव, तो म्यू टू इक्वल्स टू सेवन अपॉन फाइव यानी कि 1.4, तो राइट आंसर हो जाएगा 1.4. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टेक्ट विद अनदर लेंस ऑफ अननोन फोकल लेंथ इफ द कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर व्हाट इज द पावर ऑफ सेकंड लेंस. देखिए आपको 50 सेंटीमीटर दूरी के एक अभिसारी लेंस को अज्ञात फोकस दूरी के दूसरे लेंस के साथ संपर्क में समाक्ष रूप से रखा जाता है. यदि संयोजन 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है तो अब दूसरे लेंस की क्षमता क्या होगी. तो देखिए कन्वर्जिंग लेंस इसकी जो पावर होती है वो क्या होगी आपके पॉजिटिव होती है. तो यहां पर इसकी जो पावर होगी वो है पी वन. तो पी वन इक्वल्स टू 100 अपॉन इसकी फोकल लेंथ होगी आपकी 50. तो ये इसका टू डायोप्टर हो गया. ठीक है, अब जो सेकेंड वाला है वो पी टू है, वो पी टू है. हमें पता है ये P1 और P2 का जो रिजल्टेंट है वो डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव कर रहा है यानी कि P की तरफ बिहेव कर रहा है. तो P निकालेंगे यानी कि डाइवर्जिंग की निकालेंगे तो इसकी नेगेटिव होगी. तो ये 100 अपॉन 50 माइनस 2 डायोप्टर हो जाएगी. तो ये वैल्यू पुट करेंगे, P1 की वैल्यू 2 डायोप्टर प्लस P2 और इस P की वैल्यू भी माइनस 2 डायोप्टर. तो ये आपके P2 की वैल्यू होगी माइनस 4 डायोप्टर. तो जो ये सेकेंड लेंस होगा इसकी पावर होगी माइनस 4 डायोप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज वन कैन नॉट सी थ्रू फोग बिकॉज ऑप्शन वन फोग एब्जॉर्ब लाइट, ऑप्शन टू लाइट सफर टोटल रिफ्लेक्शन एट ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन थ्री लाइट इज स्केटर्ड बाय ड्रॉपलेट्स एंड ऑप्शन फोर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फोग इज वेरी हाई. हम कोहरे में नहीं देख सकते क्योंकि कोहरा प्रकाश को अवशोषित करता है, प्रकाश बूंदों पर पूर्ण परावर्तन से गुजरता है, प्रकाश बूंदों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, कोहरे का अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है. तो भाई जैसे क्या होता है जो फोग होता है ठीक है उसमें प्रकाश क्या होता है उससे स्केटर्ड हो जाता है. तो यहाँ पे लाइट इज स्केटर्ड बाई ड्रॉपलेट्स, तो जो फोग में जो ड्रॉपलेट्स है उससे लाइट स्केटर्ड हो जाती है. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेक्शन बी, सेक्शन बी में जो होंगे वो मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे, मीन्स आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने होंगे, चॉइस मिलेगी आपको. सो दिस सेक्शन कंटेन 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस 15 क्वेश्चन यू कैन चूज एनी 10 क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, यू विल बी अवार्डेड 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड माइनस 1 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर. Unanswered and unattempted questions will be given no marks. तो देखिए question number 36 क्या है? What is angular spread between central maxima and first order maxima of diffraction pattern due to single slit of width 0.25 millimeter when light of wavelength 600 nanometer is incident on it normally? देखिए आपको एक single slit है. इस single slit की width आपको दी हुई है 0.25 मिलीमीटर. अब इस पे जो वेवलेंथ है वो 600 नैनोमीटर लाइट वेवलेंथ इस पे इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलरली. ठीक है, अब इस एकल स्लिट के कारण विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिस तथा प्रथम क्रम यानी कि प्रथम उच्चिस के मध्य कोणीय प्रसार होगा. ठीक है, तो देखिए यहां पर रिलेशन होता है आपके ए साइन थीटा उच्चिस के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, प्रथम के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी और जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं. तो a थीटा n की वैल्यू 1 तो 2 प्लस 1 तो ये 3 लैम्डा बाई 2 हो गया. अब आपसे कोणीय प्रसार पूछा है, थीटा की वैल्यू पूछी तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन 2a, तो 3 लैम्डा, लैम्डा इज 600 नैनो मींस 10 टू पावर माइनस 9 अपॉन 2 और एंग ए विड्थ तो ये आपके होगा 0.25 और मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 3.
ओके तो यहां पर आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, ये इस तरफ 100 आएगा, ठीक है, ये आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके हो गया 300 3 3। सिंप्लीफाई करने पे हमको मिलता है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36, 3.6 मल्टीप्लाई बाय, सोल्व करेंगे तो 3.6 टेंस टू पावर -3 रेडियन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज टू पोलराइजिंग शीट आर प्लेस्ड विद देयर प्लेन्स पैरेलल टू पैरेलल सो दैट लाइट इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज मैक्सिमम थ्रू व्हाट एंगल मस्ट ईदर शीट बी टर्न सो दैट लाइट इंटेंसिटी ड्रॉप टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। देखिए दो ध्रुवक पट्टियों को इस प्रकार रखा जाता है कि इनके तल समांतर है ताकि पारगमित प्रकाश के प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो, तो इस समय यहां पर अधिकतम तीव्रता निकली। अब किसी भी एक पट्टिका को कितने कोण से घुमाना चाहिए ताकि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मान के आधे तक घट जाए, तो जो यहां पर है अधिकतम मान का आधा हो जाए, तो भाई ये रिलेशन होता है आपका आई इक्वल्स टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको टर्न कर रहे हैं थीटा एंगल पे कि ये आई की वैल्यू अधिकतम की आधी हो जाए कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो कोस थीटा इक्वल्स टू 1/√2, तो यहां पर ये प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा मीन्स थीटा की वैल्यू 45 भी हो सकती है और 135 डिग्री भी हो सकती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। टू बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, 2 तथा 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10,000 वोल्ट के विभवांतर के प्रभाव में एक गतिशील एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग थ्योरी क्या होगी। तो देखिए डी ब्रोगली तरंग थ्योरी का जो रिलेशन होता है वो हमें पता है, लैम्डा इक्वल्स टू, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखें, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अंडर रूट वी इन एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 और वी की वैल्यू होगी यहां पर 10^4 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ये एंगस्ट्रॉम वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर ये बाहर आके 12.27 अपॉन ये 10^2 यानी कि 100 एंगस्ट्रॉम हो गया, तो ये आएगा आपके 0.1227 एंगस्ट्रॉम, या नैनोमीटर में करना है तो 0.01227 नैनोमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ऑप्शन 1 इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन 2 हाफ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन 3 ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन 4 1/3 ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए यहां पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है, जब आपतित फोटोनों की आवृत्ति ऑप्शन 1 डेली आवृत्ति के बराबर है, डेली आवृत्ति की आधी है, डेली आवृत्ति से अधिक है, डेली आवृत्ति की 1/3 है। तो देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी आपतित फोटोनों की आवृत्ति पर निर्भर करती है, जब आपतित फोटोनों की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए अधिक होगी, तो जितनी अधिक होगी जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, तो देहली आवृत्ति से अधिक है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 4h/2π।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज, देखिए हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपको दिया हुआ है 4h/2π, इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। तो आप इसको कंपेयर करें तो nh/2π हो गया है। तो यहां पर nh/2π से कंपेयर करें तो ये 4h/2π, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है n की वैल्यू, यानी कि इस समय इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, फोर्थ में, और फोर्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो ये हमें पता है हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6/4² = 16। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लेफ्ट आफ्टर 6 half-life, 6 अर्धायु के बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का कितना प्रतिशत भाग शेष बचता है। तो देखिए यहां पर n बचा हुआ भाग, प्रारंभ में n नॉट इक्वल टू 1/2 और 6 half-life, ये रिलेशन यूज करेंगे। तो यहां पर n अपॉन n नॉट ये हो गया 1/64 परसेंटेज में, तो n अपॉन n नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज इक्वल टू 100/64 परसेंटेज, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.56 परसेंटेज आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन 1H2+1H3 2He4+0N1, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H3, 1H2 and 2He4 आर रेस्पेक्टिवली E1, E2 and E3, देन द एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन इज। तो देखिए यहां पर आपको अभिक्रिया दी हुई है 1H2+1H3, ये बना रहे हैं आपके प्रोडक्ट 2He4+0N1। यदि 1H3 और 1H1 तथा 1H3, 1H2 तथा 2He4 की बंधन ऊर्जाएं क्रमशः E1, E2, E3 है, तो इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी, यानी कि Q वैल्यू कितनी होगी। तो Q वैल्यू पता है हमें, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की क्या है आपका, ये है प्रोडक्ट और ये है आपके दोनों रिएक्टेंट। तो जो HEe3 है ये तो होगी प्रोडक्ट की, माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की क्या है, E1 and E2, तो ये आपके होगी E1+E2। तो राइट आंसर हो जाएगा E3 - E1+E2, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, E3 - E1+E2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, ए पी एन जंक्शन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप ऑफ 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट कैन डिटेक्ट ए लाइट ऑफ वेवलेंथ। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एक पी एन संधि डायोड, संधि प्रकाश डायोड को 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल वाले अर्धचालक से निर्मित किया गया, ये कितने तरंग धीरे का प्रकाश संसूचित कर सकता है। तो भाई जो एनर्जी गैप है वो जितना कम होगा वो उतना ही बेटर रहेगा, तो एनर्जी गैप ई जी शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एनर्जी SC/λ, तो ये SC/λ से कम होना चाहिए। इसको रीअरेंज करें तो लेमडा शुड बी लेस देन SC/एनर्जी गैप, तो लेमडा शुड बी लेस देन इक्वल टू एच, एच सी की वैल्यू हम यहां पुट करें तो एच सी की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू में पुट कर देता हूं डायरेक्ट 12,000
400, और इजी आपको दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम हो गया, और यहां पर ये हो जाएगा आपका 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैंसिल। तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू जो होगा वो आएगा 5.6, मैं अप्रोक्स वैल्यू लिखता हूं इसकी, 5.636 एंगस्ट्रम। तो जो लैम्डा है इससे छोटा होना चाहिए, तो 5.636 एंगस्ट्रम से छोटा हो, तो इससे छोटा कौन सी वैल्यू है यहां पर, ये आपके ऑप्शन टू जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, 5000 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है टू लॉजिक गेट सर्किट आर शोन इन फिगर। आपको यहां पर दो लॉजिक गेट दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको यह बताना है लॉजिक ऑपरेशन कैरीड आउट बाय द टू सर्किट आर रेस्पेक्टिवली। तो ये और ये वाले जो दोनों है ये किस तरह के गेट की तरह बिहेव करेगा ये पूरा ऑपरेशन। तो देखिए यहां पर ये जो है आपके बात करें यहां पर, देखिए यहां पर ये गेट आपका एंड गेट हो गया, ठीक है, और ये गेट आपका और गेट हो गया। यहां पर आपका ये ए और बी है, इन दोनों का जो इनपुट होगा वो यहां पर हो जाएगा ए डॉट बी, और इसका इनवर्स हो गया। अब इस पे ये नॉट गेट है तो ये आपके हो जाएगा ए डॉट बी इनवर्स, तो ये आपके आ जाएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी जो है वो आपका होता है एंड गेट। तो ये तो हो गया आपका ऊपर वाला ऑपरेशन, तो हो गया एंड गेट का, ठीक है, तो ये एंड गेट हो जाएगा। अब नीचे वाले को देखो, अब यहां पर ये इनपुट जो है ए बार और ये बी बार हो गया, ये इसका इनपुट होगा, तो ये ए बार डॉट बी बार हो जाएगा इसका। ये यहां पर नॉट गेट लगाएंगे तो ए बार डॉट बी बार का बार हो जाएगा, तो ये आएगा आपका ए प्लस बी आएगा, तो ये आपका और गेट हो जाएगा। तो ये यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, एंड और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इज ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हैज 4×10^27 एटम्स पर मीटर क्यूब, इट इज डोप्ड बाय 4 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट एटम, द नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब विल बी। जहां पर आपको ni की वैल्यू दे रखी है 10^16 पर मीटर क्यूब। तो देखिए एक शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में 4×10^27 परमाणु पर मीटर क्यूब है, इसे पंच संयोजी परमाणु की 4 ppm सांद्रता द्वारा माधित किया जाता है, तो प्रति मीटर क्यूब में होलों की संख्या क्या होगी ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन में पंच संयोजी परमाणु आपको मिला है 4 ppm, तो सांद्रता जो माधित होगी क्या होगा, तो यहां पर जो है बहुसंख्यक आवेश हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो डोनर आवेश जो होंगे एन डी, तो यहां पर जो एन डी हो जाएंगे एन डी इक्वल्स टू ये है 4×10^27 और इसमें जो हमने 4 ppm means 4×10^6, तो ये आपके आ गया 10^21, ये डोनर आ गया, ठीक है। तो होलो की संख्या जो होगी एन एच इक्वल्स टू ये होती ni स्क्वायर अपॉन एन डोनर। अब ये एन डोनर कितना है 10^21 और ni आपको दिया हुआ 10^16 का स्क्वायर अपॉन 10^21, तो ये 10^32 10^32 अपॉन 10^21, तो ये 10^11 पर मीटर क्यूब आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 10^11 पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्रू गेज हैज 100 पार्ट्स ऑन सर्कुलर स्केल एंड ऑन रोटेशन ऑफ ए फुल सर्कुलर स्केल द स्क्रू एडवांसेस ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज।
देखिए यहां पर एक स्क्रू गेज है, इसके वृत्तीय स्केल पर 100 भाग है और एक पूरा चक्र करने पर यह 1 मिलीमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक क्या होगा, लिस्ट काउंट क्या होगा, तो ये होगा आपका जितना ये डिस्टेंस चला और ये 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0.01 मिलीमीटर, मींस 0.001 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड ए ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट ए वॉल। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2, द वेट ऑफ द ब्लॉक इज। देखिए, किसी दीवार के सारे चित्रानुसार किसी पिंड को सटाकर रखने के लिए 10 न्यूटन बल की आवश्यकता है। तो यहां पर आपको ये जो है 10 न्यूटन बल लगा रखा है, तो दीवार व पिंड के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 है, तो पिंड का भार होगा। तो भाई पिंड का भार इधर की तरफ नीचे की तरफ कितना लग रहा है, ये mg लगेगा। अब ये ऊपर की तरफ फ्रिक्शन से बैलेंस हो रहा होगा, तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या हो गया, mg हो गया। तो यहां पर आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें तो μn इक्वल्स टू mg होगा। तो mg इक्वल्स टू μ, μ की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 0.2 और एन यहां लग रहा होगा, तो एन की वैल्यू किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, तो ये आपका आ गया 2। तो राइट आंसर जो आएगा 2 न्यूटन, तो भार होगा 2 न्यूटन के इक्वल, राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए स्मॉल डिस्क इज ऑन द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, वॉट इज द स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी दैट शुड बी गिवन टू द डिस्क फॉर इट टू लीव द हेमिस्फीयर एंड नॉट स्लाइड डाउन इट, अज्यूम नो फ्रिक्शन। देखिए आर त्रिज्या के अर्धगोल है, ये आपको आर त्रिज्या का एक अर्धगोला दिया हुआ है। ठीक है, इसकी त्रिज्या है ये आर, आर त्रिज्या के अर्धगोले के शीर्ष पर एक छोटी चक्ती रखी हुई है, ये एक छोटी सी चक्ती रखी हुई है। चक्ती को क्या न्यूनतम क्षितिज वेग दिया जाए ताकि चक्ती गोले को, अर्धगोले को छोड़ दे और नीचे ना फिसले। तो जब आप यहां पर इसको क्या वेग दें कि ये वृत्ताकार पथ कंप्लीट करे, ऐसे वृत्तीय पथ पे आ जाए, तो भाई इस पे ये आपका यहाँ पर नॉर्मल भी जीरो हो जाए, तो ये mg ही इसको क्या दे, आवश्यक अभी केंद्रीय बल प्रदान करे mv2/r। तो m से m, तो v इक्वल टू क्या हो गया, √rg हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, √rg। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर इज कंटेन ए स्मॉल एयर बबल, इट्स अपेरेंट डेप्थ व्हेन व्यूड थ्रू वन फेस इज 6 सेंटीमीटर एंड व्हेन व्यूड थ्रू द अपोजिट फेस इज 4 सेंटीमीटर, देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब इज। देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा के एक पारदर्शी घन में एक वायु का बुलबुला है। ठीक है, एक फलक से देखने पर इसकी आभासी गहराई 6 सेंटीमीटर तथा विपरीत फलक से देखने पर यह 4 सेंटीमीटर है, तो घन के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, क्या ज्ञात करें। तो देखिए आप यहां पर ये आपको क्यूब दिया हुआ है, ये इस तरह से क्यूब है। अब 15 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई होगी। एक वायु का बुलबुला है एक फलक से देखने पर, अब ये एक फलक से देखा आपने यहां से, तो ये यहां पर आपको जो है वो 6 सेंटीमीटर पे अपियर हो रहा है। ठीक है, किसने पे अपियर हो रहा है, 6 सेंटीमीटर पे अपियर हो रहा है, यानी कि पास में अपियर हो रहा है, ये पास में अपियर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर पे अपियर हो रहा है, दूसरी तरफ से देखेंगे तो ये जो है 4 सेंटीमीटर पे अपियर हो रहा है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। चलिए, तो हमें पता है जो आभासी गहराई होगी, यहां से आप इधर से व्यू करते हो तो जो आभासी गहराई होगी, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ जिसे बोले हैं, अपेरेंट डेप्थ जिसको बोले हैं, तो ये वास्तविक गहराई, तो वास्तविक गहराई और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इक्वल होगी। तो ये वास्तविक गहराई इधर से आपके एक्स है, इधर से कितनी होगी, वाई होगी, तो वास्तविक गहराई जो है एक्स अपॉन म्यू हो गया, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ये लेस देन आपकी कम हो जाएगी। तो अपेरेंट डेप्थ आपको एक तरफ से देखेंगे तो 6
ठीक है, ये डिस्टेंस होगी x अपॉन म्यू, तो x इक्वल्स टू हो गया 6 म्यू। इसी तरह से दूसरी तरफ से क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 4 म्यू, ये 4 म्यू हो गया, और x प्लस y इक्वल्स टू 10 म्यू हो गया, और x प्लस y टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 15 इक्वल्स टू 10 म्यू, तो म्यू इक्वल्स टू आ रहा है 1.5, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर इज शोन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द हेमिस्फेयर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेयर इज, देखिए आपको ये एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या आर है, अब यहां पर जो है इसके एक इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा, तो फाइ इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहां पर जो फाइ इक्वल्स टू क्या होगा, फाइ इक्वल्स टू होता है ई मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो ये वाला एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर ई डॉट ए से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू ई पाई आर स्क्वायर, तो इस एरिया से गुजर रहा, ठीक है, तो E मल्टीप्लाई बाय एरिया, दोनों के बीच में एंगल जीरो, कोस जीरो की वैल्यू वन, तो E इक्वल्स जो फाइ इक्वल्स टू हो जाएगा E पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पेपर का डिस्कशन होता है यहाँ पर ओवर, ठीक है, तो ये आपके सेल जो इस टेस्ट में जो 50 क्वेश्चंस थे वो हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर दिया है। थैंक यू, जय सी एल सी।